जैसा कि हम सभी को विदित है कि हर साल की भांति इस साल भी 15 अगस्त के दिन जो परेड हम लोगों की होती है, उसी के क्रम में हम लोगों की ये फाइनल ड्रेस रिहर्सल परेड थी। उसी में सभी तैयारियों को मुआयना किया गया, देखा गया कि सभी का टर्नआउट कैसा है और जब उस दिन माननीय आएंगे तो उसके लिए कैसा इन लोग का सबका प्रिपरेशन है, उसको देखा गया। उसमें पाया गया कि सभी की तैयारी अच्छी है और आशा करते हैं हर वर्ष की भांति ही जिस तरह की सुंदर परेड गोपाल मैदान में आयोजित होती है 15 अगस्त को, उसी प्रकार की हम लोग को परेड इसका भी देखने को मिलेगी। मैदान गीला इसका लेगी कुछ? मैदान गीला है, मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि मौसम इस समय ऐसा है कि पानी कंटिन्यूसली रुक रुक के बरस रहा है। उसके बचाव के लिए हम लोग जहाँ तहाँ, अगर कहीं ज़्यादा पानी गिर रहा है तो वहाँ पे अलग से मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत बालू भी डाल रहे हैं। आप लोग के सामने अभी भी आप लोग को एक रिक्शा बालू डालते हुए दिख जाएगा, पर होपफुली अब अगर कल तक पानी नहीं बरसेगा तो मैदान की स्थिति थोड़ा सुधर जाएगी। अब सैनिक है वीर, देश के हम सैनिक है वीर, पर्वत से ऊंचे गौरव, सागर से गंभीर, हम अजय हैं छत्तीसगढ़ से, हम निर्भय लड़ती परेड सावधान के पूजा में। परेड कमांडर मेजर रामजोत यादव सलामी मंच के पास से चले आते हुए, आगे के लिए आदेश प्राप्त किया। आज इस ड्रेस रिहर्सल में हमारे जितने भी प्लाटून हैं और प्लाटून कमांडर्स हैं, चूंकि बारिश के मौसम के कारण थोड़ा सा ये है, फुल रिहर्सल होगा। अगर आपका प्रदर्शन सफिशियंट है, संतोषजनक रहेगा, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वाले लोग हैं सभी प्लाटून्स के, वो लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। कुछ कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ के खड़े हुए थे, किसी के हाथ की मूवमेंट आगे पीछे थी जो है, जैसे कि परेड में सबसे पहली लाइन जो रहेगी जब निरीक्षण हो रहा होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो फ्रंट लाइन वाले जितने लोग हैं जो है वो लोग, जैसे हम लोगों की जो महिला प्लाटून है उनका बहुत अच्छा था।